मैं दुनिया के हर कोने में जा चुका हूँ, हमने बड़े बड़े शोज किए, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आइलैंड है ये, मगर तो स्वागत अरुणाचल में मेरा हुआ, मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा। इसीलिए मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी सब कांग्रेस के पीछे जाओ। मैं तो कहता हूँ इधर उधर कहीं मत जाओ, सब कांग्रेस के पीछे जाओ। बात क्या है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके दोनों हाथ आम आदमी के साथ है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो ऑल इंडिया पार्टी है, जितनी बाकी पार्टियां ट्राई कर रही हैं वो आज तक नहीं हो पाई, ऑल इंडिया पार्टी। हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, आपको एक न एक कांग्रेसी मिलेगा। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग चप्पलें पैंट पहन के हर गांव में घूमते थे। उनको मालूम था हिंदुस्तान की आत्मा गांव में रहती है। जैसे यहां पर जयरामपुर में, यहां आपका संदेश लेकर मैं जाऊंगा बॉम्बे, कलाकारों को बोलूंगा देखो एक महिला ने क्या किया। कोमोरी जी ने एनजीओ के एजुकेशन, औरतों के एजुकेशन के लिए कितना काम किया है, मंदिर रह चुके, आवाज में कितनी बुलंद है और सच्चे दिल से बात कर रही है। मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, और मैं संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे जयरामपुर में लेकर आए, ऐसी महिला मैंने देखी नहीं, बाप रे। बात क्या है, मैं आपको सच बात बोलता हूं, ये जितनी भी पार्टियां, ये बीजेपी, एसपी, एसजी, आरजेडी, डीजीटी, सारी बीमारियां कांग्रेस के पेट से निकली है। इन सबकी माता है कांग्रेस। हाँ, मां को छोड़ के भाग गए हरामखोर। अरे यार, तुम मां को छोड़ के भाग गया, जा 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 जा। ये जितनी पॉलिसी बोलती है बीजेपी, हमने ये किया, हमने वो किया, देखिए हर गांव में हर परिवार के सदस्य को गारंटी थी, एक एक सदस्य को नौकरी देना कांग्रेस, आधार कार्ड कांग्रेस, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस, स्वास्थ्य का अधिकार कांग्रेस, भूमि भूमि ग्रहण करना, ये सारी पॉलिसी, सारी योजनाएं कांग्रेस की है। ये झूठ बोलते हैं, हमारी योजना बकवास करते। देखिए हमको राजनीति आती, मैं तो कलाकार आदमी, राजनीति आती नहीं, न मुझे करनी है। हम तो वही करते हैं जो हमको लिख के देता है, राइटर लिख के देता है, ये डायलॉग बोलना है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं, हम आपको देख नहीं सकते, या टेलीविजन पे आप देखते हैं, हमको पता नहीं, आप ताली बजा रहे हो, गाली दे, जूझा फेंक रहे हो, हमको क्या मालूम। मगर ये रूबरू मुलाकात का मौका है, मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, आपके आपकी तालियां सीटियां मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, इसमें कंजूसी मत करना। ताली बजाओ, मैं बोल रहा हूं कंजूसी मत करना, फिर कंजूसी करता तुम लोग यार। सिनेमा के पर्दे पे डायलॉग राइटर हमको लिख के देता है, असरानी तुमको ये बोलना है, तो हम बोलेंगे। जो डायरेक्टर बोलता है वो करना पड़ता है। एक डायरेक्टर थे बहुत बड़े मद्रास के, मुझे बोले असरानी तुम पेड़ के नीचे खड़े हो, लड़की आई नहीं, एक बेंच है, गार्डन है, तुम क्या करोगे। मैंने कहा लड़की आई तो मैं घड़ी देखूंगा, आई क्यों नहीं, या इधर देखूंगा उधर देखूंगा, थोड़ा रेस्टलेस हो जाऊंगा। बोला नहीं, इसमें कॉमेडी नहीं है, तुम पेड़ की पत्तियां खाओगे। मैं बोला मेरी माँ बकरी थी, मेरा बाप जानवर था, मैं पेड़ की पत्तियां खाऊंगा। आप देखना फिल्म का नाम निशाना, हीरो जितेंद्र, और मैं वही किया, पेड़ की पत्तियां खाएं। खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो डायरेक्टर बोलता है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में 60-70 साल का हीरो आके अपनी माँ को बोलता है मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास बस में पास हो गया। माँ बोलती राजू हरामखोर, तू स्कूल कब गया था। हीरो हीरोइन
जंगल में फंस जाते, शम्मी कपूर से मराठे को आप बड़े झोपड़ी में घुस जाते, तूफान होता है, बरसात गिरती है, स्नो फॉल होता है, आग जलाते, सारी रात रोमांटिक गाना गाते, सुबह हिरन बोलते, ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। तू झोपड़ी में घुसी को तेरे बाप ने बोला था। तो बाप कौन, डायरेक्टर? डायलॉग कौन सा? राइटर सती सावित्री। ये करना पड़ता है। एक बेचारे बड़े अच्छे एक्टर थे, मर गए, नजीर हुसैन, वो हर फिल्म में अपनी मरी औरत के फोटो से बात करते थे। राजू की मां, काश तू जिंदा होती, तेरे सारे बेटे हराम हो रही थी। 22 साल से हर फिल्म में मरे हुई फोटो से बात कर रहे हैं, और जिंदा औरत है उसकी वाइफ 23 साल से, और दूसरे का मैंने उससे बात नहीं करी आज तक। तो सिनेमा के पढ़ते भी करना पड़ता। और मगर ये अच्छा थैंक यू करता हूँ, रूबरू मुलाकात का मौका, मैं कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। फिल्म सिटी है बॉम्बे में, मैं शूटिंग कर रहा था, फिल्म का नाम भूल भुलैया आपने देखी होगी, दूसरी फिल्म ओम शांति ओम शाहरुख खान। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, बोले असरानी मेरे बच्चे, महीने का बच्चा गोद में लेके आया, और बच्चे को बोले असरानी असरानी, वो अपने बाप को नहीं पहचानता। शाहरुख खान की गाड़ी आई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। अरे मैंने कहा तेरा बच्चा, बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान कहाँ मिलेगा सर। तो रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती, वो बच्चों को संभालने में इतना पुलिस से जाना पड़ा, बाप को ढूंढना पड़ा, बात में ये चक्कर होता। ठीक है, मगर ये तो आपके सामने मुलाकात का मौका है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जरा ध्यान से सुनना, कोविंद जी बोला था क्या, जब बीजेपी आई 2014 तो हमको लगा नया भारत आएगा, नया हिंदुस्तान आएगा, नई उम्मीद आएगी, एक काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, काला धन वापस आएगा, औरतों की रक्षा होगी, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा, अरे क्या करेगा, करेगा कर कितना करेगा। इतने वादे किए उन्होंने। मुझे एक रिक्शा वाला बोलता है डिब्रूगढ़ में, असर नहीं इधर आओ, इधर 15 लाख। मैंने कहा कौन से 15 लाख रे, क्यों तुम वादा किया था? अरे मैंने वादा नहीं किया था, हट चल, अरे तेरे प्रधानमंत्री ने किया था ना, 15 लाख लाएंगे। अरे मैंने कहा काला धन तो बड़ी मुश्किल की बात है, सफेद धन लेके भाग गए बड़े बड़े लोग बैंकों में से, आपकी नाक के नीचे भाग गए, भाग गए। ये बोले मैंने उज्ज्वला में औरतों को गैस के चूल्हे दिए, क्यों दिए? ताकि औरतें अपने पति को काल नहीं खाएं, उसको बोले सरकार अच्छी है, सरकार की बुराई मत करना। आप बुराई करके देखो, आज बीजेपी चारों तरफ FBI CBI इनकम टैक्स एनफोर्समेंट, ये सारे आपको घेर लेंगे, आपकी जीना, आपका जीना हराम कर देंगे। एक तरफ ये लोग हैं नौजवान, राहुल गांधी, आपको पता है सोनिया गांधी को कितनी बार लोगों ने बोला आप प्रधानमंत्री बन जाइए, नहीं बोले नहीं बनूंगी। राजीव गांधी के डेथ के बाद उनको बोला आप बन जाइए, बोले नहीं, बोले अपने बच्चों को लेकर चले जाओ इटली, बोले नहीं जाऊंगी मैं, अपने बच्चों को अपने देश की सेवा कर यही रखूंगी।